हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, शीघ्र विवाह, करियर और धन संबंधी समस्या के लिए गुरुवार को करें ये विशेष आसान उपाय। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही है। रोजगार तो है लेकिन करियर में उन्नति यानी प्रमोशन नहीं हो रहा है। घर में धन संबंधी समस्या का डेरा है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन कुछ विशेष आसान उपाय कर आप इन सभी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं गुरुवार के कुछ आसान उपाय। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और इन्हें जगत का पालनहार कहा जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन अगर पूरे विधि विधान से नारायण की पूजा और इन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाए तो फिर जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गुरुवार के कुछ आसान उपाय। तो दोस्तों, शीघ्र विवाह के लिए गुरुवार को करें ये उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो और आपको अपने सपनों का साथी मिल जाए तो गुरुवार को विष्णु जी के निमित्त व्रत किया जा सकता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जल्द शादी का योग बनता है। तो दोस्तों, अवश्य करें। दोस्तों, व्रती को इस दिन पीले वस्त्र धारण करने के साथ पीली चीज़ों का भोग भगवान को लगाना चाहिए और खुद भी इस दिन पीले रंग की चीज़ों का ही सेवन करें। दोस्तों, बेसन के लड्डू, बेसन की रोटी खाई जा सकती है। तो दोस्तों, अवश्य करें। व्रती जब विधि विधान से पूजा करें तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के 108 नाम का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही तमाम रुकावटें दूर होती है। तो दोस्तों, ये उपाय करते हैं तो आपकी शीघ्र विवाह हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धन संबंधी समस्या के लिए गुरुवार का उपाय। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि गुरुवार के दिन बाल न धोने के साथ साथ हाथ और पैरों के नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि ऐसा करने से भगवान हरि अप्रसन्न होते हैं और घर में दरिद्रता का नाश होता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, इस दिन ये चीज ना करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं प्रमोशन पाने के लिए गुरुवार के उपाय। आप किसी कंपनी में लंबे समय से कार्यरत है, पूरी मेहनत से काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है तो गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। पीली मिठाई, पीली दाल या पीले रंग के फलों या वस्त्रों का दान किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये दान करते हैं तो आपका प्रमोशन पक्का हो सकता है। तो दोस्तों, अवश्य करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बिजनेस में तरक्की के लिए गुरुवार के उपाय। अगर बिजनेस में तरक्की पाना चाहते हैं तो इसके लिए सरल उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आपको हरि नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ हर गुरुवार उनकी पूजा करें, पीली चीजों का भोग लगाएं और ऑफिस में पीले रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। तो दोस्तों, आप ये पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको रहेगा और इससे आपका बिजनेस और चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी मुसीबतें हल हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह उपाय जरूर करें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।